हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली आपको मालूम होगा मेरे चैनल पे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस, गल्फ इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड, गल्फ कैसे जाएं, ये सब वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं जो बताने वाला हूँ, एक्चुअली देखिए अभी मैं कोलकाता जाने वाला हूँ, मेरा एक इंटरव्यू है गल्फ के लिए। आउट ऑफ कंट्री मैं पहले तो रह चुका हूँ 2020 से पहले, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद मैं इंडिया में ही काम कर रहा था और मैं बाहर नहीं गया था, लेकिन फिर से अभी जाने का सोच रहा हूँ। तो इसके लिए एक इंटरव्यू आया है मेरा, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे जो सब्सक्राइबर है उसको ये जर्नी कैसा रहा इंटरव्यू देने का, कैसे इंटरव्यू फेस करना चाहिए, कैसे, तो एक ब्लॉग बनाते हैं। मेरा तो ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग बनाते हैं और मेरे सब्सक्राइबर को बताते हैं। तो मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और यही मेरा पहला ब्लॉग है जो अभी आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और वेदर बहुत ख़राब है, देखिए पीछे आप देख पा रहे होंगे बारिश आने वाला है लगता है। और मैं मेरे घर के नज़दीक का नेशनल हाईवे के साइड में खड़ा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा बाहर आया था शॉप में, तो मैं सोचा चलो इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पर बना लेते हैं। तो आगे आप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मैं घर से लेके कोलकाता इंटरव्यू तक जर्नी कैसा रहता है देखते हैं, फिर वहाँ से आने का रिटर्निंग। और मैं एक बात बोलना चाह रहा था आप लोगों से, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं या फिर जो इस लाइन में है या फिर जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है और जो बाहर जाना चाहते हैं मेनली, उसके लिए देखिए बाहर के लिए जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टार्टिंग में क्या है ना, ऑफिस वाले लोग ओनली गल्फ एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। जो हम लोग ने भी जो पहली बार गया तो मुंबई से गया और मुंबई में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, पहली बार वो नहीं लेते हैं इजीली, बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ आपको डिस्करेज करेगा कि नहीं भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो घबराना नहीं है, हो जाता है। आपको पेशेंस रखना है और एक इंटरव्यू में ना हो तो दूसरा इंटरव्यू देना है, दूसरा में ना हो तो तीसरा में देना है, इंशाल्लाह आपको हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे पास गल्फ एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब आउट ऑफ कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो लोग आउट ऑफ कंट्री का एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगते हैं, इंडिया का एक्सपीरियंस को उतना वैल्यू नहीं देता है। तो मैंने बोला भाई इंडिया में तो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इंडिया में काम किया इतना दिन, तो मेरा एक्सपीरियंस को क्यों नहीं मानेगा भाई, आप हमको मौका तो दो। और एक में नहीं हुआ, दूसरा में नहीं हुआ, तीसरा में मौका मिला, गया मैं भी बाहर रह के आया। तो फिर से मैं जाने वाला हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो आप लोग जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे चैनल पे बने रहें, आप लोगों को इस रिलेटेड वीडियो, इस रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। और एक चीज़ है, देखिए दलाल और जो एजेंट होता है ना, ये लोग का चक्कर में ना पड़े। बहुत सारा ऑफिस है, अच्छा अच्छा ऑफिस है, प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस है आपको दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बड़े बड़े जो महानगर हैं, सबसे अच्छा रहता है अगर मुंबई से आप दे तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है वहाँ से भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। बहुत सारा ऑफिस का ब्रांच है मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, बहुत अच्छा अच्छा ऑफिस है। तो वो अच्छे जो ब्रांडेड जो अच्छा ऑफिस है ना, उसके थ्रू से अगर आप जाते हैं तो आपको कोई रकम परेशानी नहीं होगी, कोई रकम चीट होने का डर नहीं रहता इसमें, और ऑफिस चार्जेस भी बहुत कम रहता है इसका। देखिए कुछ कुछ होता है फ्री रिक्रूटमेंट, जैसे अभी मैं इंटरव्यू देने जाने वाला हूँ वो है फ्री रिक्रूटमेंट, उसमें क्या है ना, एक रुपया भी लगने वाला नहीं है। और कुछ कुछ होता है चार्जेबल, चार्जेबल मतलब क्या है, वो ऑफिस चार्ज लेता है 10,000, 20,000, 30,000, मैक्सिमम 40,000 तक लेता है, लेकिन आप एजेंट लोग का चक्कर में पड़ेंगे तो और ज़्यादा पैसा लगता है। और ऑफिस चार्ज भी देना है तो ऐसे नहीं देना है, ठीक है, उसमें भी डेजिग्नेशन का हिसाब से होता है, आप कौन डेजिग्नेशन में जा रहे हैं उस हिसाब से लेता है। और वो भी ऑफिस का जो भी चार्जेस है, कोई हिडन चार्ज नहीं, जो भी है वो पहले आप बात कर लें,
इंटरव्यू के सिलेक्शन के बाद जब वीज़ा वजा आपको हाथ पे मिल जाए, टिकट मिल जाए, तभी वो पैसा पेमेंट करे। नहीं तो ज़्यादातर कोशिश करो, मैं तो पैसा वैसा दे के नॉर्मली जाता नहीं है। मैं कोशिश करता है जो फ्री रिक्रूटमेंट होता है या फिर शॉर्ट टर्म का जो रहता है, 8 महीना, 1 साल का, 6 महीने का, ये सब जॉब में पैसा नहीं लगता है, तो मैं इसमें जाता है। 40-50 हज़ार भर के जाने का मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं जाता नहीं है। इसके लिए मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगा कि पैसा वैसा भर के मत जाइए, कोशिश कीजिए। जो सब इंटरव्यू फ्री रिक्रूटमेंट रहता है, वो लोग 2-5 हज़ार, 10 हज़ार तक लेता है, ज़्यादा नहीं लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। वो लिखा हुआ रहता है, आपको जो न्यूज़पेपर निकलता है ना, मुंबई में न्यूज़पेपर निकलता है एब्रॉड टाइम्स, उसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहेगा फ्री रिक्रूटमेंट। जो फ्री रिक्रूटमेंट लिखा हुआ रहेगा ना, उसमें ऑफिस वाले से पहले भी बात कर लेना है, और वो लोग पैसा नहीं लेगा, मिनिमम चार्जेस लेता है, 2-5-10 हज़ार लेगा, नहीं तो नहीं लेता है। तो उतना मिनिमम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल का ज़माना में बिना पैसा से होता कहाँ है कुछ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा गल्फ़ का इंटरव्यू रिलेटेड, और मैं कैसे गया बाहर, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अभी जो मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, अभी ये है क्या मेरा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि मैं मेरा पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूं, और यही है मेरा पहला ब्लॉग। एक्चुअली आप जो अभी देख रहे हैं, यही मेरा पहला ब्लॉग है, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। बीच बीच में मैं टिप्स आपको देता रहूँगा, किस तरह से आप अपना करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, अपना लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं, और बिना पैसा के, कोई पैसा इन्वेस्ट ना किए हुए कैसे विदेश आप जा सकते हैं जॉब करने के लिए, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे इंटरव्यू होता है, वो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या पूछा जाता है नॉर्मल इंटरव्यू में। जैसे आप कौन सा फील्ड से है, कंस्ट्रक्शन में है, मेंटेनेंस में है। देखिए बाहर में जो डेजिग्नेशन वगैरह होता है ना, इंडिया का डेजिग्नेशन से मिलता नहीं है, इंडिया का डेजिग्नेशन अलग होता है, बाहर का डेजिग्नेशन अलग होता है। तो जैसे यहाँ पे फिटर, अगर आप पाइपिंग का फिटर है, ग्राइंडर, रिगर, पूरा टीम यहाँ रहता है ना, हेल्पर, वहाँ फिटर ही ज़्यादातर काम करते हैं, ग्राइंडर वगैरह का डेजिग्नेशन नहीं रहता, फिटर ही करते हैं। उसके बाद वहाँ पे देखिए चार्जेंट का डिजिग्नेशन है, फोरमैन का है, उसके बाद सुपरवाइज़र का है, उसके बाद इंजीनियर है, उसके बाद फिर सुपर इंटेंडेंट है, उसके ऊपर में फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है। इंडिया में लेकिन वैसा नहीं है, इंडिया में फिटर फैब्रिकेटर जो है, ये लोग के बाद में चार्जेंट और फोरमैन का नॉर्मली नहीं रहता है, डायरेक्ट सुपरवाइज़र रहते हैं, उसके ऊपर इंजीनियर रहते हैं, उसके ऊपर मैनेजर रहते हैं। लेकिन बाहर में सुपर इंटेंडेंट, उसके नीचे इंजीनियर, उसके नीचे सुपरवाइज़र, उसके नीचे फोरमैन, चार्जेंट, प्रॉपर एक वे में चलता है, तो वो एक तरह से सही है। तो आप जो भी डिजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले इस पर ध्यान दें, आप जो CV बनाए ना, उस पर क्लियरली मेंशन कर दें पोस्ट अप्लाइड फॉर, और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो भी मेंशन कर लें CV में। वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ रहना चाहिए कि आप कौन सा पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और कितना आपका एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, एट ए ग्लांस कम समय के अंदर उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप कौन सा डिजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये सब आपको फ्रंट पेज में ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, थोड़ा प्रिपरेशन लेके इंटरव्यू देने जाए। इंटरव्यू में जो मेरे साथ हुआ, उस समय मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, मैंने सब क्वेश्चन का आंसर सही दिया, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दे दिया तो उसको लगेगा ये इसको नॉलेज नहीं है, रट्टा मार के आया, पढ़ के आया है, और कुछ नहीं। तो सिंपल जो क्वेश्चन होता है ना, उसको भी ध्यान दें। हम लोग क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं और सिंपल को भूल जाते हैं। जो नॉर्मली इसमें बाहर का इंटरव्यू में देखा जाता है ना, एक्सपीरियंस काम का, अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, तो आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा और सिलेक्शन भी जल्दी हो जाता है। मतलब आप काम किए कि नहीं वो देखता है, आपका क्वालिफिकेशन है ठीक है, आपको काम किए कि नहीं वो देखेगा वो, अगर वर्किंग एक्सपीरियंस आपको है तो आपको ले लेगा वो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी डेजिग्नेशन पे आप जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन लेके इंटरव्यू दें,
और दलाल का चक्कर में ना पड़े। बहुत सारा ऑफिस है, अगर आप मुंबई में है तो मुंबई में एब्रॉड टाइम्स पेपर निकलता है, न्यूज़पेपर, आप वो न्यूज़पेपर ले लो, वीकली आई थिंक वीकली पेपर है, तो उसमें आप अच्छा अच्छा जो ब्रांडेड ऑफिस है तो वो लोग का एक्चुअली मैं नाम नहीं ले सकता वीडियो में ये, लेकिन अच्छा अच्छा ऑफिस है। चलिए जो 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 ऑफिस का थ्रू से मैं गया हूँ उतना तो मैं बता सकता हूँ, मैं गया हूँ एशिया पावर के थ्रू से, ठीक है, जे एम मेहता है, उसके बाद सियागुल इंटरनेशनल है, बहुत अच्छा अच्छा ऑफिस है मुंबई में, वो सब ऑफिस में जाइए, अपना CV देकर शॉर्ट लिस्टेड करवाइए और इंटरव्यू दीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए मैं यही बोलना चाह रहा था, मेरा जो अभी कोलकाता का जो जर्नी है वो बहुत जल्द आपको दिखेगा, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बने रहें। अब मैं आ गया हूँ स्टेशन पे, अर्ली मॉर्निंग, अभी 7 o'clock हुआ है, इसके लिए थोड़ा हल्का अंधेरा भी है और बारिश का मौसम है, इसके लिए मेघ भी दिख रहा है आपको। और ये स्टेशन है मेचेदा स्टेशन, यहाँ से मैं अब ट्रेन पकड़ेगा कोलकाता के लिए, और टूवर्ड्स आगे का जो जर्नी है आगे आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें। तो अब मैं जा रहा हूँ टिकट काटने, टिकट लेकर फिर मैं ट्रेन पे बैठता हूँ, ट्रेन पे बैठने के बाद फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं कोलकाता जा रहा हूँ एक इंटरव्यू के सिलसिले में, तो चलिए मैं आगे आगे वीडियो में आपको कोलकाता सिटी भी घुमाऊंगा और इंटरव्यू का क्या कंडीशन है, कैसा इंटरव्यू रहा, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, मेरे वीडियो में बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको गर्ल फील्ड सर्विस रिलेटेड वीडियो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है अभी लोकल ट्रेन चालू हो गया है, आफ्टर कोविड सिचुएशन पूरे इंडिया में अभी लोकल ट्रेन चालू है, और हम लोगों जो डिस्ट्रिक्ट में है ईस्ट मेदिनीपुर, इधर से कोलकाता का दूरी है अप्रोक्स 70 किलोमीटर, और लोकल ट्रेन ही सबसे अच्छा जरिया है, इसीलिए लोकल ट्रेन से ही जा रहे हैं। 2 आवर्स लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ और वन बाई वन कैसा रहा इंटरव्यू मेरा वो भी आपको मैं बताऊँगा। कोविड से पहले तो मैं गल्फ गया था, लेकिन ये कोविड सिचुएशन की वजह से मैं इंडिया में ही फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है तो मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, आगे आपको बताता हूँ इंटरव्यू में क्या होता है और क्या कंडीशन है। चलिए वीडियो में, अच्छी स्टेशन में ट्रेन से अभी उतरा हूँ और बस का भी वेट कर रहा हूँ, देखिए बस का तो टाइम हो गया है, 10 मिनट में आने वाला है, फिर बस आता है तो फिर मैं आगे का अपडेट आपको दूँगा। Thank you.
का मेट्रो स्टेशन बन रहा है, न्यू टाउन है, कोलकाता से दूर है, नया सिटी बन रहा है। नया स्टेशन बन रहा है ये। अभी आ गया मैं ऑफिस के अंदर। एक्चुअली अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसके लिए मैं अंदर का फोटो नहीं ले पाया, अंदर वीडियो नहीं बना पाया। और अंदर में अभी आया हूँ, आने के बाद अभी यहाँ पे जब मैं अपना CV जमा करने गया तो ये बोलते हैं CV अभी ऐसे हार्ड कॉपी नहीं, आप सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके भेजो, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसको ही सिर्फ इंटरव्यू का मौका मिलेगा, और इंटरव्यू 8 तारीख को है। तो वैसे मैंने दे दिया है, शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, ये लोग कॉल करेंगे और तब इंटरव्यू का डेट बताएंगे और इंटरव्यू प्लेस बताएंगे, तब इंटरव्यू होगा। मतलब इतना दूर आना भी एक तरह से बेकार हो गया। चलिए अब क्या किया जाए, आज नहीं तो जब बुलाएगा तब इंटरव्यू होगा। वैसे लोग क्लियर लिख देता ना कि शॉर्ट लिस्टिंग है तो इतना दूर आता नहीं मैं, है ना, क्या करें। ये बिल्डिंग में ऑफिस है सियागुल इंटरनेशनल का। ये बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में ऑफिस था और सामने ही हाईवे है, अभी आपको हाईवे दिखाता हूँ। यही हाईवे है, इधर से ही गाड़ी मिलेगा हमको रेलवे स्टेशन जाने के लिए। देखते हैं, सामने सिग्नल है, सिग्नल पे रुकेगा। ट्रैफिक सिग्नल है, अभी रेड है सिग्नल, बहुत अच्छा बनाया है। बैठ गया रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन से भी आगे तक चलता हूँ। चलो
कोलकाता रियली बहुत ही खूबसूरत सिटी है। अगर आप कभी यहाँ आए ना तो आपको यहाँ बहुत अपनापन महसूस होगा। और कोलकाता इज़ द चीपेस्ट सिटी, बहुत ही सस्ता भी है। यहाँ पे खाना पीना रहना हर चीज़ दूसरे महानगर के हिसाब से बहुत सस्ता है। और नेचुरल ब्यूटी भी है, और कोलकाता में बहुत सारा घूमने वाला जगह भी है। साइंस सिटी हो गया, निको पार्क हो गया, विक्टोरिया हो गया, ईडन गार्डन जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, वो स्टेडियम भी बहुत अच्छा है। और नदी के किनारे में जब आप जाएंगे ना, लाइटिंग वगैरह इतना अच्छा लगा के रखा है, बहुत ही खूबसूरत है। नाइट व्यू कोलकाता का बहुत ही मस्त रहता है। और देखिए अभी शाम है, शाम का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो एक तरह से कोलकाता बहुत ही अच्छा सिटी है आपको घूमने के लिए। कभी भी अगर मौका मिले तो प्लीज़ कोलकाता आए और घूमें कोलकाता। हावड़ा ब्रिज नाइट को जब लाइट लगाने के बाद, अभी लाइटिंग लगता है नाइट को, बहुत मस्त दिखता है हावड़ा ब्रिज। एक्चुअली मैं हावड़ा ब्रिज होकर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो हावड़ा ब्रिज का भी आपको इमेज दिखा था मैं। जो नया ब्रिज बना है उधर से हम लोग डायरेक्ट सांतरागाछी निकल जाएंगे। और इधर का रास्ते में जो भी हमको दिखेगा वो आपको दिखाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता शहर है, ब्यूटीफुल शहर है ये। आप आइए यहाँ पे, और वीडियो में आगे अंत तक बने रहें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने कोशिश किया कवर करने का A to Z यहाँ पे, गल्फ़ का जॉब प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू तक, इंटरव्यू के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद वीज़ा स्टैम्पिंग एंड प्रोसेस जो होता है ये वगैरह, जो है कैसा चार्जेस लगता है, उसके बाद फिर आपको ट्रैवलिंग प्रिक्वेशन क्या लेना है, वहाँ जाने के बाद क्या करना है, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें आप। कोलकाता का जो एरिया की तरफ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं वो है
शॉर्ट लेक एरिया, बहुत ही नीट एंड क्लीन एरिया है ये। और यहाँ पे आईटी सेक्टर, ज़्यादातर आईटी सेक्टर का ऑफिस है, यहाँ पे कॉल सेंटर वगैरह सब यहीं पे है, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और नीट एंड क्लीन एरिया है, बहुत ही ज़्यादा बहुत खूबसूरत एरिया है शॉर्ट लेक एरिया। यहाँ पॉल्यूशन भी नहीं है, पॉपुलेशन भी कम है, और ग्रीनरी आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। और चलिए वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
उतरा हुआ थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, हम लोग का स्टॉपेज आने वाला है। नाइट का समय है इसके लिए ट्रेन में ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, पूरा खाली चल रहा है। ट्रेन से उतरने के बाद अभी मैं बाहर आ गया, स्टेशन का बाहर निकल गया हूँ। थोड़ा ठंडा लग रहा था इसके लिए स्वेटर पहन लिया है। ठंडा का मौसम तो आ ही गया है, अब इसके लिए स्वेटर लेके ही चलना पड़ता है। जहाँ निकलो आप भी लेके निकलो, कहीं भी चलो तो ठंडा का कपड़ा लेके ही निकलना चाहिए। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बाहर निकलने के बाद बस स्टैंड है और कैसा लोकेशन है नाइट का, अभी आपको बाहर दिखाते हैं। बहुत सारा फ्रूट्स का शॉप है इधर में, बहुत सस्ता में फ्रूट मिलता है। तो चारों तरफ फ्रूट्स का ही दुकान आपको देखने को मिलेगा। स्टेशन का बाहर ये देखिए नाम लिखा है स्टेशन का। और आगे में बस स्टैंड है, आगे में देखिए चारों तरफ बस खड़ा हुआ है। यहाँ से पूरा डिस्ट्रिक्ट में सब जगह का बस मिलता है। यहाँ से चारों तरफ मार्केट बहुत अच्छा है, फ्रूट्स का ही दुकान है चारों तरफ, और सब जगह का बस भी इधर खड़ा है। मुझको भी बस पकड़ना है, पकड़ के फिर घर पहुँचना है। क्या मस्त नज़ारा है, मौसम बहुत अच्छा है। देखिए हवा भी चल रहा है और लाइट जो पड़ रहा है पेड़ के ऊपर, तो कितना मस्त लग रहा है। देखिए अभी मेरा गाड़ी आया नहीं है, अभी वेट करना है आई थिंक 30 मिनट्स, उसके बाद फिर मेरा गाड़ी आएगा। ये है मेछिदा बस स्टैंड बोलते हैं, सेंट्रल बस स्टैंड। यहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट का हर जगह गाड़ी मिलता है। चलिए कोलकाता से तो मैं रात को आ गया था, और उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो बात है आपसे शेयर करना है, उसके बाद वीडियो को क्लोजिंग करूँगा। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो इसको एडिटिंग से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके पूरा ओवरऑल प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा जो भी होगा उसको आप एस्केप कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। देखिए जॉब इंटरव्यू बहुत है मार्केट में, आप अगर न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे ना बहुत सारा डेली बहुत इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन अभी का जो ज़माना आ गया है फेक भी बहुत है, तो आपको उस कोई भी फेक और कोई भी जो दलाल है एजेंट है ये लोग का चक्कर में पड़ना नहीं है। डायरेक्ट ऑफिस में जाना है और कहीं नहीं जाना है। क्या होता है ऑफिस का नाम से बहुत इंटरव्यू होता है, इधर उधर अरेंज होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा फ्रॉड होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
घबराना नहीं है, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, एक में नहीं हुआ, नेक्स्ट दिन दीजिए, दूसरा दीजिए, दूसरा में नहीं हुआ तीसरा दीजिए, घबराना नहीं है, हो जाता है, हो जाएगा। होपलेस नहीं होना है कि मेरे पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मैं जब पहली बार गया था 2013 में ना, महीना दो महीना मुंबई में भटका, सब यही बोलते कि नहीं आपका गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलता, और होपलेस होकर मैं भी वापस आ जाता। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको ये झेलना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है ना, घबराना नहीं है, एक कंपनी नहीं लेगा दूसरा लेगा। अभी क्या है ना, जो कंपनी सब आता है, एक्सपीरियंस है तो उसको थोड़ा ज़्यादा सैलरी देगा, जो फ्रेशर्स है उसको थोड़ा कम सैलरी में वो हायर करेगा, लेकिन लेके जाता है, ऐसा नहीं है। आपको वेट करना है, क्या है ऑफिस वाले जो होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उसको पहले चांस देंगे, उसको पहले इंटरव्यू का मौका देंगे, और जो फ्रेशर्स हैं उसको बोलेगा आप वेट कीजिए, बाद में आपका सीवी लेंगे, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, तो आपको वेट करना है। मैं आपको मेरा बता रहा हूँ स्टोरी, मैं जब 2018 में इंटरव्यू देने गया था तो मेरे पास ओनली शटडाउन का एक्सपीरियंस था, बाहर का लॉन्ग जॉब का नहीं था। मैं 10 बजे आई थिंक ऑफिस में पहुंचा था, और मुझे बोलते हैं आपका तो बाहर का लॉन्ग जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, पहले तो ना होगा, नहीं होगा बोल दिया। हम बोले नहीं, देखिए ना, कोशिश कीजिए कम से कम इंटरव्यू तक तो मेरे को जाने दो। वो बोला ठीक है, आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, शाम तक आपको लास्ट मिलेगा। रमज़ान का महीना था, रोज़ा भी रखे हुआ था मैं, और देखिए शाम को 6 बजे के बाद, मुंबई में तो 7 बजे के बाद रोज़ा खोलना पड़ता है ना, 6 बजे के बाद मुझे, मैं सुबह 10 बजे गया, देख लो पूरा दिन मैं वेटिंग किया, और शाम को 6 बजे के बाद मुझे मौका मिला इंटरव्यू का। इंटरव्यू के पास गया, इंटरव्यू हुआ, लेकिन इंजीनियर्स में लोग लेगा नहीं, तो मैं सुपरवाइज़र में अप्लाई किया, इंजीनियर में अप्लाई किया था, इंजीनियर में नहीं लिया तो सुपरवाइज़र में लिया। 3000 दरहम सैलरी देगा बोला, सैलरी थोड़ा कम दे लगाया, ऐसे 37 मैंने 3700 मिनिमम में बोला था, लेकिन 3000 दरहम बाद में देगा बोला, दुबई के लिए था। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू बहुत लंबा, आधा घंटा, कम से कम एक घंटा का तरह चला इंटरव्यू। उसके बाद रोज़ा खोलने का टाइम हो गया, 7 बज गया, तो फिर भी वो लोग के मन में 2-4 क्वेश्चन था ही, और पूछने वाला था। फिर वो बोला कि आप रोज़ा रखे हैं क्या, मैं बोला हाँ यस रोज़ा रखा हूँ, तो टाइम तो हो गया। तो उधर ही ऑफिस में, मुंबई में एक चीज़ है, जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वहाँ जो ऑफिसेस है, और नवी मुंबई में रवाले में जो जहाँ इंटरव्यू होता है, वो लोग अरेंज करते हैं इफ्तारी का सामान, तो उधर अरेंज हुआ था, तो उधर गया जाके रोज़ा खोला। उसके बाद फिर एचआर राउंड हुआ, एचआर राउंड होके तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैं जाके उधर दुबई में रह के भी आया, उस कंपनी में गया भी, अच्छे से एक साल काम भी किया, एक साल का ही काम था, उसके बाद फिर वापस आया। फिर दोबारा जाने वाला था तो लॉकडाउन लग गया, नहीं जा पाया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट हैं, जो गल्फ के लिए चाहे इंडिया के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह, तो घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है। देखिए मैं सुबह 10 बजे गया, मेरे साथ बहुत सारे लड़के बैठे थे, वो लोग का भी यही था, कोई फ्रेशर्स था, किसी का एक्सपीरियंस कम था। 2-4 बजे तक मैक्सिमम वेट कर करके बोला नहीं होगा, नहीं होगा, दूसरा जगह जाते हैं, कहीं और जाते हैं, चला गया। मैं वेट किया, शाम तक वेट किया इंटरव्यू, जो भी क्वेश्चन पूछा, अरे बाहर का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इंडिया में तो मैं काम किया है ना, तो मेरा तो इंडियन एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू देने में हमको क्या चीज़ का डर है, डरने का क्या है। तो मैं इंटरव्यू दिया, जो भी क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर दिया, तो मेरे को पसंद हुआ। और वो भी चाहते हैं कि हर कंपनी, अभी क्या है ना, सब कुछ अल्टीमेटली ऑल अबाउट मनी, सब कंपनी चाहता है कि कितना कम से कम में मैं कैंडिडेट को लेके जाऊं, तो मेरा नाम होगा, काम करवाएगा आपको इंजीनियर का, लेके जाएगा सुपरवाइज़र में, काम करवाएगा सुपरवाइज़र का, लेके जाएगा फोरमैन में, क्यों डिजिग्नेशन का हिसाब से सैलरी देना पड़ता है। तो मैं वेट किया, शाम तक वेट किया, तो इंटरव्यू हो गया और मैं सेलेक्ट भी हो गया। तो वही मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने चाहता हूँ कि अगर आप
जाते हो, जैसे मैं कोलकाता भी गया था, कल गया था, रात हो गया मेरा भी आते आते 9-10 बज गया, और मेरे घर से दूरी भी बहुत है, कम से कम 2-3 घंटे का जर्नी करके मैं गया। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि इंटरव्यू नहीं है, क्लाइंट इंटरव्यू नहीं है, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। एक्चुअली शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होता है ना कि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है ना, वो भीड़ को कम करने के लिए एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया होता है, उम्र का, क्वालिफिकेशन का, बहुत तरह क्राइटेरिया का हिसाब से कंपनी ऑफिस वाले को बोलता है भाई आप ये क्राइटेरिया के शॉर्ट लिस्टिंग करके रखो, सिर्फ उतना ही कैंडिडेट का हम इंटरव्यू लेंगे। तो ऑफिस क्या करता है, उस हिसाब से आपका CV जमा लेगा, आपका एक्सपीरियंस मिलाएगा, गल्फ का है नहीं है, ऐसा करके बहुत सारा क्राइटेरिया है। कभी कभी आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी लेगा आपसे कि नॉलेज कितना है ये ऐसा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, करने के बाद फिर जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलेगा। अभी मैं मेरे घर के बाजू में ही एक दुकान है, वहीं पे बैठा हूँ, वहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रहा था। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो शॉर्ट लिस्टिंग करवा लेना चाहिए, अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तो आपको ये भरोसा रहेगा, अगर आप सेलेक्ट हो गए शॉर्ट लिस्टिंग में तो आपको इंटरव्यू 100% मिलेगा। क्या होता है जिस दिन क्लाइंट इंटरव्यू होता है ना, उस दिन बहुत सारे कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कराए वो भी आते हैं, तो बहुत रस होता है, वो रस को कम करने के लिए ऑफिस वाले शॉर्ट लिस्टिंग कराते हैं। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया है और जो शॉर्ट लिस्टिंग किया है तो फ़ायदा यही है, जो शॉर्ट लिस्टिंग किया है ऑफिस वाले उसको डायरेक्ट पहले इंटरव्यू का देने का मौका देंगे, उसके बाद अगर टाइम रहा तो जो बिना शॉर्ट लिस्टिंग का जो डायरेक्ट आया है उसको भी मौका मिलता है इंटरव्यू लेने का। तो और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, देखिए होपलेस नहीं होना है, शॉर्ट लिस्टिंग हो नहीं हो आपको इंटरव्यू का डेट और लोकेशन अगर मालूम है आप जाइए वहाँ पे। जो शॉर्ट लिस्टिंग किया है उसको पहले मौका मिलेगा, जो नहीं किया है उसको बाद में मिलेगा, लेकिन मौका दोनों को मिलेगा। तो देखिए जो भी इंटरव्यू के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसको यही बोलूँगा, देखिए घबराना नहीं है, 1x1 आप इंटरव्यू पे जाओ। और हाँ, CV को थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना है, उसमें क्या है ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है, फ्रंट पेज पे ही आपको एक पेज में हर चीज़ दिख जाए, इस तरह से बनाना है। पहले भी मैं वही बोला है और फिर भी लास्ट में भी मैं वही बोलूँगा, दलाल का चक्कर में, एजेंट का चक्कर में ना पड़े, अपना पैसा को बर्बाद ना करें, डायरेक्ट आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस से कॉन्टेक्ट कीजिए, ऑफिस का जो चार्ज है वो लेगा, और जो फ्री रिक्रूटमेंट है तो मिनिमम एक चार्ज 2-5 हज़ार लेता है, वो भी नहीं लेगा, कभी लेगा कभी नहीं लेता है, वो डिपेंड करता है ऑफिस वाले के ऊपर में। और हाँ, जो भी चार्जेस, मिनिमम चार्जेस जो भी ऑफिस वाले का लगता है या देना पड़ता है, वो आपका सिलेक्शन के बाद जब वीज़ा टिकट मिलेगा आपको हाथ में तब पे करना है, पहले नहीं देना है। बहुत समय क्या है, अगर कुवैत का होता है तो कुवैत के लिए PCC का ज़रूरत पड़ता है, तो ऑफिस वाला क्या करेगा, पहले तो इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो गए तो आपका पासपोर्ट जमा ले लेता है, वो फिर क्या करेगा, आपको पासपोर्ट जमा आपका दिया हुआ था लेकिन आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा आपका गांव, जाके PCC करवा के लाना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन। तो आप आएंगे नहीं आएंगे, सिक्योरिटी के लिए वो 2-5 हज़ार रुपया डिपॉजिट करवाएगा ऑफिस, तो देना पड़ता है, 5 हज़ार डिपॉजिट करवाया, कोई 4 हज़ार करवा के आपको पासपोर्ट देगा कि जाओ भाई आप PCC करवा के ला के दो, तब होगा। और जब चलिए पुलिस वेरिफिकेशन और PCC का बात आया तो मैं थोड़ा मेडिकल के बारे में भी बता दूं। गल्फ के लिए कुछ कुछ कंट्री है जहाँ पे नॉर्मल मेडिकल का ज़रूरत पड़ता है और कुछ कुछ कंट्री जो है वहाँ पे गम का मेडिकल का ज़रूरत पड़ता है। तो जो नॉर्मल मेडिकल होता है वो नॉर्मली 1,000, 1,500 या 2,000 का अंदर आपका हो जाएगा, और उसमें जो बॉडी का चेकअप है वो भी थोड़ा कम है, नॉर्मल चेकअप है। हमका मेडिकल में जो गल्फ कंट्रीज है ना, वो लोग मिलके एक यूनिट होकर, एक ग्रुप होकर उन लोगों ने अप्रूव किया है गमका को, और उसका सेंटर जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। तो आपको पहले ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ता है गमका का, 4,500 या 5,000 रुपये का तरह ऐसा चार्जेस है, वो ऑनलाइन में आपको पे करना पड़ेगा। वो होने के बाद फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा और ऑटोमेटिकली
उस सिटी में जितने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो गम का मेडिकल होगा, कोई भी एक इंस्टीट्यूट आपको ऑटोमेटिक देगा या चूज़ करने का भी आई थिंक ऑप्शन रहता है। तो उस मेडिकल सेंटर में जाके वो रिसिप्ट लेकर जाके आपको वहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाना है, और उसका एक या दो दिन नॉर्मली 24 घंटा या 48 आवर्स के बाद उसका रिजल्ट आएगा, और ये पूरा ऑनलाइन होता है। इसका जो भी रिजल्ट है ना, ये ऑनलाइन में आपको दिखेगा, ऑनलाइन में आप चेक भी कर सकते हैं, और जो भी रिपोर्ट्स है वो लेकर आपको ऑफिस में जाकर जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका नाम में वीज़ा इशू होगा। तो दमका मेडिकल जो भी है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा हार्ड होता है ये मेडिकल। गमका मेडिकल में क्या होता है, इसमें आपका फुल बॉडी चेकअप जैसे होगा, जैसे ब्लड लेगा, ईसीजी करेगा, एक्सरे करेगा, आपको पूरा कपड़ा खोलकर ऊपर से नीचे तक चेक करेगा, और नॉर्मल मेडिकल में क्या होता है ना, ओनली ब्लड लेगा, एक्सरे करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। और एक्सरे में भी बहुत सारा ये लोग का पार्ट है। नॉर्मली वो टीबी का चेक करता है, मतलब उसमें कुछ आपके बॉडी में कुछ मार्क वगैरह है कि नहीं, एक्सरे में वही चेक करेगा, थोड़ा सा रहो नहीं रहो, बहुत समय मेडिकल में फेल कर देता है ऑफिस वाले आपको। वो लोग में क्या होता है, मेडिकल में फेल कर देगा, फिर आपको बोलेगा दोबारा एक्सरे लेना पड़ेगा, फिर से आप पैसा दीजिए, तब फिर आपका एक्सरे करेगा वो, तब पास हो जाता है आदमी। तो घबराना नहीं है, गम का मेडिकल हो या नॉर्मल मेडिकल हो, घबराना नहीं है, जो भी हो, थोड़ा सा कुछ प्रिक्वेशन है, प्रिक्वेशन लेके जाके आप मेडिकल करवाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेरे घर के नज़दीक का शॉप में मैं बैठा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि पावर का थोड़ा प्रॉब्लम है, घर पे पावर नहीं है, अभी पूरा अंधेरा था, इसके लिए मैं रोड पे बैठ के ये वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो कुछ प्रिक्वेशन बताने जा रहा हूँ मेडिकल के लिए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और मैंने भी अपनाया है और सक्सेस भी मिला है इससे। देखिए, आप मेडिकल कोई भी मेडिकल करवाएं, उससे पहले आप थोड़ा सा मेंटेन कीजिए खाने पीने का, रूटीन बनाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए डेली सुबह, कम से कम 15-20 मिनट का मॉर्निंग वॉक कीजिए एवरी डे। बिफोर मेडिकल आप प्रिपरेशन लेना शुरू कर दें, मॉर्निंग वॉक कीजिए। खाना पीना में थोड़ा ऑयली खाना मत खाइए, नॉनवेज ना खाएं तो अच्छा है, और पानी थोड़ा ज़्यादा से पिए, पॉसिबल हो तो हनी कुछ दिन तक गर्म पानी में या दूध में रख के हनी को खाएं, मधु हनी होता है ना वो खा सकते हैं, और डाब का पानी पिए। धूप है तो ज़्यादा धूप में ना जाएं, ठंडे में रहने की कोशिश करें, ज़्यादा हार्ड वर्क ना करो, कुछ मेडिकल से 2-4 दिन पहले एटलीस्ट थोड़ा बॉडी को रिलैक्स रखिए, और उसके बाद बिंदास टेंशन मत लीजिए, बिंदास होकर मेडिकल करवाइए, पास हो जाएंगे। और थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम आता है तो बहुत समय क्या हुआ है, मैंने ये भी देखा है गमका मेडिकल में, वो आपको वन चांस में पास नहीं करेगा, आपको बोलेगा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये दवा खाना पड़ेगा, ये डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ जाइए, 4 दिन 5 दिन 7 दिन आपको दवा देगा, वो दवा खाने के बाद फिर से दोबारा चेकअप करेगा, और मैक्सिमम केस में सेकेंड टाइम में आदमी पास हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेडिकली आप खुद अगर कंफर्म है कि मेडिकली फिट है, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिंदास आगे बढ़िए, इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट होइए, मेडिकल करवाइए और बाहर जाइए। और मैं जो पहले बोला था, बाहर में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कंपनी क्या है ना, कोई काम बोल कर ले जाए और दूसरा काम करने को बोलता है, तो उसके लिए भी क्या है ना, आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने के पहले उसका कंपनी का बैकग्राउंड जांच लो। ज़्यादातर सप्लाई कंपनी जो होता है ना, वो क्या करता है, उसके पास काम नहीं है, वो दूसरे को थर्ड पार्टी में सप्लाई में दे देगा, चलो आप ये काम कर लो वो कर लो, ऐसा। अब डायरेक्ट कंपनी जो डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वैसा जो बड़ी कंपनियाँ हैं उस पर आप अगर जाते हैं तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको।
टर्म्स कंडीशन, कंपनी का जो टर्म्स कंडीशन होता है, छुट्टी का, मेडिकल का, लीव का, सैलरी का, ड्यूटी आवर्स का, ओटी का, ये सब अच्छे तरीके से पहले पढ़ ले, एग्रीमेंट वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही साइन करें। और एग्रीमेंट कॉपी अपने पास रख लो जाने के समय, वहाँ अगर कोई तरह का दिक्कत आएगा तो आप एग्रीमेंट कॉपी दिखा सकते हैं कंपनी को, क्योंकि वो एग्रीमेंट में ना सब लिखा रहेगा, आपका ए टू जेड, ड्यूटी आवर्स, सैलरीज, सैलरी कितना तारीख को मिलेगा, आपका डिजिग्नेशन, सब कुछ लिखा रहता है। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ कुछ है गल्फ इंटरव्यू के लिए और गल्फ के लिए। देखिए, मैंने मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो जाए, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर कोई मेरे फ्रेंड, कोई मेरे सब्सक्राइबर, कोई मेरे दोस्त अगर बाहर काम कर रहे हैं गल्फ में, या फिर गल्फ जाने वाले हैं, प्रिपरेशन ले रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मेरा वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेके एंड तक, बहुत तरह का आपको नॉलेज मिलेगा और आप सक्सेस भी होंगे लाइफ में। देखिए, मैंने मेडिकल के बारे में थोड़ा सा बताया, प्रिक्वेशन क्या लेना है वो बताया, इंटरव्यू के बारे में आपको बताया कि देखिए, कोई भी ट्रेड में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रिपरेशन ले लो, और उस ट्रेड रिलेटेड कोई शॉर्ट टाइम हो, लॉन्ग टाइम हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम गल्फ का रिक्वायरमेंट होता है ITI, और ITI आपके पास है तो अच्छा, नहीं है तो जो प्राइवेट ITI वगैरह है वो सब भी वैलिड है, चलता है। तो इंटरव्यू देने के समय ये भी, हाँ, कौन सा, चलो और एक बात बताते हैं, कौन सा देश में क्या क्या मेडिकल चलता है। जैसे देखिए, सऊदी अरेबिया अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ गम का मेडिकल 100% है, मैंडेटरी है। आप अगर कुवैत जा रहे हैं 100% मैंडेटरी है, बहरीन जा रहे हैं 100% मैंडेटरी है, ओमान जा रहे हैं गम का मेडिकल 100% मैंडेटरी है। जैसे आप UAE जा रहे हैं, UAE में कुछ पार्ट में, जैसे ओनली अबू धाबी का पार्ट में, UAE क्या है ना, 7 देश मिलके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 7 देश मिलके ये बना हुआ है, उसमें छोटा छोटा 7 देश है, जैसे दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, अलैन हो गया, ऐसे बहुत सारा, मतलब 7 है टोटल मिलके ये दुबई बना है। तो वहाँ क्या है, जैसे दुबई में, शारजा में, अलैन में, ये सब में नॉर्मल मेडिकल चलता है, वहाँ पे सिर्फ आपको 1000-1500 का मेडिकल यहाँ होगा, और ब्लड और एक्सरे लेगा, वहाँ भी वैसे नॉर्मल होगा, चल जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, स्टैंपिंग हो जाएगा। लेकिन अबू धाबी के लिए अगर आप वीज़ा निकालते हैं तो आपको गम का मेडिकल, अभी रिसेंट ऐसा नियम किया, आई थिंक गम का मेडिकल लगता है, और कुछ कुछ देश में PCC भी मांगता है, और हाँ, कतर में भी नॉर्मल मेडिकल ही चलता है, और कुछ कुछ देश में PCC भी मांगता है। PCC क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन, नॉर्मली कुवैत में मांगता है, कुवैत में तो 100% मैंडेटरी है, और बहुत सारा देश है वहाँ 100% मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी रिक्वायरमेंट रहता भी है। और थोड़ा सा मैं ट्रैवल रिलेटेड थोड़ा बता दूं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैंने कोशिश किया है कि आपको A to Z नॉलेज में दे सकूं, मतलब प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू तक, इंटरव्यू से लेके मेडिकल, वीज़ा, उसके बाद ट्रैवलिंग को भी बता ही देता हूँ। ट्रैवलिंग के समय आपको बहुत सारा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। देखिए, बहुत तरह का नशीली पदार्थ जो है बाहर में बैंड है, इंडिया में आदमी यूज कर भी रहा है लेकिन बाहर में बैंड है, तो वो सब नहीं लेना है, नहीं लेके जाना है। कोई तरीके का नोखीला चीज़ जैसा छुरी हो गया, कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, ये सब आपको अपना पॉकेट में नहीं रखना है। आप लगेज में रख के लगेज बुक करके चला जाएगा, लेकिन हैंड लगेज में अलाउ नहीं है, कोई भी लिक्विड अलाउ नहीं है हैंड लगेज में, बॉडी परफ्यूम हो, बॉडी स्प्रे हो, या फिर पानी तक भी अलाउ नहीं है हैंड लगेज में। आपको एयरपोर्ट का अंदर ही पानी जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, बाहर से आप नहीं ले जा सकते। उसके बाद क्या होता है ना, एक बैगेज का लिमिट भी होता है, एयरलाइंस का ऊपर डिपेंड करता है, 15 kg, कोई 30 kg, उतना वजन आपको ले जाना है, और ज़्यादा लंबाई भी ना हो, ज़्यादा चौड़ाई ना हो, इसका भी एक नियम कानून है कि इतना बड़ा बैग होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो बैग मार्केट में अवेलेबल है सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या होता है, देखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा क्या है, कंपनी
तो वहाँ जाने के बाद एडवांस देता ही है, कुछ पैसे अपने पास रख लें 1000-2000, उस कंट्री का करेंसी करवा लें एयरपोर्ट पे, एक्सचेंज करवा के रख लें, अच्छा होता है। आपको वहाँ जाते ही इंस्टेंट, अगर एक दिन लेट भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। जैसे मैं भी गया था तो वहाँ जाने के बाद ही मेरे को 200 दरहम इंस्टेंट, आपको एयरपोर्ट से निकला बाहर ऑफिस में गया कंपनी का, उधर ही 200 दरहम दिया, उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर 500 दरहम दिया था हाथ खर्चा के लिए, खाने पीने के लिए। और फूड का भी बहुत सारा कंपनी होता है, खाना फ्री भी देता है, बहुत सारा कंपनी खाना फ्री नहीं देगा, आपको खाने का पैसा दे देगा, चाहे आप बना लो, बनाने का फैसिलिटीज देता है कंपनी, और नहीं तो फिर आप होटल से जाकर खरीद के खा सकते हैं। जैसे मैं दुबई में था तो वहाँ पे बहुत ही सस्ता, समझ लीजिए वहाँ का हिसाब से हम लोग का जो कैंप था जाबजा में, वहाँ 300-350 दरहम में आपको एक महीने तक का खाना, नाश्ता, चाय सब मिलता था, और बना भी सकते हैं, वहीं पे मॉल है वगैरह, शॉपिंग मॉल है। जो कैंप में आप रहते होंगे, कैंप में आपको कोई कोई कैंप में रूम में बिल्डिंग में अलाउ करता है खाना बनाना, कोई कैंप में बिल्डिंग में अलाउ नहीं करता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कैंप में अलग से किचन बना के देता है, उस किचन में आपको गैस का फैसिलिटीज रहेगा, ओवन भी रहेगा, अपना सिर्फ बर्तन रखिए आप और ले जाकर खाना बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को मैं अब ख़त्म करेगा, यहीं पे क्लोजिंग करूँगा। और पहले भी मैंने बोला है कि मेरा पहला ब्लॉग है, तो इसमें अगर आपको कोई तरह का मिस्टेक कुछ दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके सुझाव दीजिए कि कैसे इसको मैं बेहतर बना सकता हूँ। और मैंने इसमें कोशिश किया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो पूरा प्रोसेस है, इंटरव्यू से लेके प्रिपरेशन से लेके मेडिकल, उसके बाद आपको बाहर तक का कवर करने का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूले, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। आपको इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस, मेंटेनेंस का वीडियो, गल्फ रिलेटेड इंटरव्यूज, इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए, वैकेंसीज, ये सब का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों में शेयर करें। और कोई तरह का आपको अगर दिक्कत परेशानी आ रही है, आप प्रिपरेशन ले रहे हैं गल्फ के लिए, कोई क्वेरी है, इंक्वायरी है, कोई तरह का दिक्कत परेशानी आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा, आप उस पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, वीडियो का अंत में भी मैं यही बोलना चाहूँगा, देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आपको जस्ट एक एक्सपीरियंस देना, नॉलेज देना, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में थोड़ा समझाना। लेकिन दोबारा मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ किसी को पेमेंट करने से पहले बहुत तरीके से जांच ले, उसको पड़ताल कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। अगर आपको वीज़ा देता है, टिकट देता है, फिर भी आप टिकट वीज़ा को भी आप ऑनलाइन में चेक कर लें, बहुत फर्जी चलता है अभी, फर्जी टिकट वीज़ा आपको देके आपसे पैसा ले लेगा ऑफिस वाले, ऐसा भी होता है। तो प्लीज़ इस तरह का दलाल, इस तरह का रैकेट का चक्कर में ना पड़े, नॉर्मली जो ब्रांडेड ऑफिस है उसमें जाएँ तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। और घबराने की भी बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मुंबई आइए, मुंबई जाके वहाँ अगर आपका रहने का ठिकाना है वहाँ रहिए, इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं रखते हुए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और करियर आपका अच्छा हो, सक्सेस हो, यही आशा रखते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।